हेलो डिफेंस एसपिरंस आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आई एम सॉ मै एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स फॉर एफ कैट एंड ऑल्सो दिस विल भी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग सीरियस एग्जाम सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट वर्ड इज़ बगल बगल इज़ यूज एज अ नाउन ठीक है मीनिंग क्या होता है देखो एक ब्रास का इंस्ट्रोमेंट आपको साइड में पिक्चर दिख रही होगी है ना ब्रास का इंस्ट्रोमेंट बाजे जैसा जैसे कि ट्रम्पेट होता है जो कि शादियों में बचता है बट ओनली डिफरेंस इज कि जो शादियों में बचता है वो जो ट्रम्पेट होता है उसमें छोटे छोटे वॉल्व होते हैं है ना बटन टाइप के होते हैं जिससे आप एयर का फ्लो कंट्रोल कर सकते हो पर इसमें वो नहीं होता है ठीक है ये एक विदाउट वॉल्व या विदाउट की वाला इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज़ कहाँ होता है मिलिट्री में होता है मिलिट्री सिग्नल्स को भेजने के लिए ठीक है तो सिनेम्स इसके हैं कैरियॉन या कॉर्नेट ओके okay. और अपोजिट क्या है इनएक्टिविटी या ओवर एक्ट क्यों है इसका ये अपोजिट इनएक्टिविटी या ओवर एक्ट वो इसलिए क्योंकि देखो बगल का आप समझ लो इट इज़ अ काइंड ऑफ अलार्म है ना तो इसका अपोजिट क्या होगा इनएक्टिविटी ठीक है या ओवर एक्ट ओके सेकेंड देखते हैं मिलान कोली ठीक है मिलान कोली क्या है जिसे आप बोलते हो दिल का दर्द ठीक है तो एनी फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस या फिर

स्टंट मीन्स आँखें फटी की फटी रह गई जो देखा उस पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या रिएक्शन दो दैट इज स्टंट ठीक है सिनेम्स आर डेज एंड स्टूप फाइ एंटर देखते हैं अलर्ट या कॉन्शियस ठीक है वॉट इज द मीनिंग ऑफ स्टंट इट मीन्स एक्सट्रीमली शॉर्कड वेन यू आर अनेबल टू रिएक्ट नेक्स्ट वन इज फ्लेयर फ्लेयर इज यूज एस अनाउन एंड द मीनिंग इज इट इज द इंस्टिंगटिव एप्टीट्यूड और द एबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग एक्सट्रीमली वेल ठीक है कोई टैलेंट जो आप में हो ठीक है कोई अच्छी क्वालिटी जा जो आपको अलग बनाती हो दूसरों से दैट इज योर फ्लेयर ओके सिन देखते हैं एप्टीट्यूड या फिर टैलेंट और एंटेनिम्स क्या है इन एबिलिटी ओके फ्लेयर मीन्स ये एक आपकी आ, अलग सी एक डिफरेंट सी क्वालिटी है टैलेंट है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है नेक्स्ट इज अट मैर नाइट मैर मीन्स डरावना सा सपना ठीक है अ फ्राइटनिंग और अनप्लीज ड्रीम सिनेम्स आर बैड ड्रीम नाइट टेरर्स एंटोनिम्स आर हेवन या पैराडाइज ग्रेज मीनिंग है ईट ग्रास इन अ फील्ड ठीक है जो काय बफलो वगैरह करते हैं दैट इज ग्रेजिंग सिनेम्स आर फीड ईट क्रॉप एंड एंटोनिम्स इज बैश एंड बम्प ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रोलिफिक प्रोलिफिक मीन्स जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करे या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट uh, दे, दैट इज़ प्रोजिफिक ठीक है सिनोनिम्स देखते हैं प्रोडक्टिव और क्रिएटिव एंटोनिम्स बारन या डेड ठीक है प्रोजिफिक ज़रूरी नहीं है किसी आदमी पर्सन एनिमल के लिए यूज़ हो ठीक है किसी आइडिया के लिए भी यूज़ हो सकता है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ग्री मीन्स होता है खुशी बहुत ज़्यादा खुशी ठीक है ग्रेट डिजाइट स्पेशली फ्रॉम वंस ओन गुड फॉर्च्यून और अनदर्स मिस फॉर्च्यून ये तो खुशी कब होती है देखो ये तो जब आप बहुत ज़्यादा लकी हो जाओ ठीक है या तो फिर जो आपके साथ कंप्लीट है वो अन हो जाए है ना तो निम्स आर डिजाइट एंड प्लेजर एंड आर ग्रूम एंड डिसअपॉइंटमेंट ठीक है नेक्स्ट है बॉय स्ट्रेस बॉय स्ट्रेस एक एडजेक्टिव के जैसे यूज़ होता है इसका मतलब जैसे वो आते हैं ना कोई मेहमान आते हैं हमारे घर पे जिनके बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जगह पे बैठे ही ना है ना पूरा घर में तहलका मचा के रखते हैं तो उनके लिए आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो बॉय स्ट्रेस वॉय स्ट्रेस मीन्स जो बहुत ज़्यादा नॉइज ही और चेयरफुल हो ठीक है बिल्कुल नो शांति एट ऑल सो दैट इज़ बॉय स्ट्रेस इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव एंड द मीनिंग इज़ नॉइजी एनर्जेटिक एंड चेयरफुल ठीक है सिनेम्स देखते हैं सिनेिम्स आर लाइवली एंड एक्टिव एंड एंटनिम्स आर क्वाइट एंड रिस्ट्रेन बंधा हुआ एक जगह पर मतलब बैठा हुआ शांति से ठीक है नेक्स्ट है निबल मीनिंग देखते हैं टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ किसी से छोटी छोटी बाइट्स मारना उसे बोलते हैं निबलिंग ठीक है छोटी छोटी बाइट्स मारना जैसे वो होते हैं ना रैट है ये रोडेंट्स बेसिकली तो जिनके आगे के दो दाँती ही बहुत ज़्यादा होते हैं बस और बाकी छोटे छोटे से होते हैं तो वो बेसिकली अगर वो बाइट मारेंगे तो कैसी होगी छोटी सी होगी बस है ना दैट इज कॉल्ड निबलिंग तो इसके सिनोनिम्स हैं पिक या नो और एंटोनिम्स निम्स हैं स्टिफ कलम्स या फिर लम्बरिंग ठीक है ओके okay. अब देखो ये निबल हम रोडेंस के लिए यूज़ करते हैं मैंने बताया जैसे रैट के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर स्क्वेज के लिए यूज़ कर सकते हो ठीक है दैट आई um, Uh, हाँ ऐसे लिख दो तो मतलब सेंटेंस अगर बनाना ही है तो जैसे द स्क्विरल निबल्ड द एप्पल हाँ इतना ही छोड़ दो ठीक है या द स्क्रल निबल्ड कोई भी ड्राई फ्रूट या समथिंग एनीथिंग तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू तो से इज कि किसी भी रोडेंट के लिए स्क्विरल के लिए जिनके आगे के फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो स्मॉल बाइट्स मारते हो उनके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो निबल ठीक है नेक्स्ट है विसरल विसरल मीन्स इट इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव आपने सुना होगा ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी दो तरह के होते हैं है ना एक जो एक्सटर्नल होते हैं ठीक है और जो पी, अंदर के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स ठीक है तो विसरल मतलब होता है अंदर की ठीक है अंदर जो है तो इट कैन बी रिफर्ड फॉर फीलिंग्स फीलिंग्स के लिए हो सकता है या किसी भी चीज़ के लिए जो किसी चीज़ के अंदर है विसरल ठीक है स्पलैं स्प्लैंकनिक एंटेनिम्स आर इज लॉजिकल या इज लॉजिकलिटी और विसरज मीन्स होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका अंदर तक डीप मीनिंग हो ठीक है या फिर आ, किसी ऐसी चीज़ के लिए अगर आप ऑर्गन्स के लिए यूज़ करें मतलब जो अंदर की तरफ है ठीक है जैसे अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे आपके विसरल ऑर्गन्स में आते हैं ओके okay. नेक्स्ट है इन्फेस्ट इन्फेस्ट मीन्स क्या होता है जैसे किसी चीज़ को मतलब कोई इंसेक्ट्स होते हैं ना जो एक चीज़ में मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा नंबर में आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि इंसेक्ट्स ने उस चीज़ को इन्फेस्ट कर दिया मतलब वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ गए ठीक है जैसे कुछ टाइम पहले हुआ था ना वो ग्रास हॉपर्स का अटैक हुआ था फीड्स में है ना तो उससे क्या हुआ था कि सारे जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो गए थे तो उसके उस सिचुएशन में हम बना सकते थे कि द ग्रास हॉपर्स हैव इन्फेस्टेड द फीड्स इन पंजाब इन लार्ज नंबर्स लीडिंग टू ह्यूज क्रॉप फेरियर ठीक है तो इन्वेस्ट मींस कहीं पर बहुत ज्यादा नंबर्स में आ जाना और ज़्यादातर इंसेक्ट्स के लिए एनिमल्स के लिए यूज़ होता है ठीक है सिनेम्स आर ओवर ऑन स्प्रेड थ्रू एंड आर कम्फर्ट या फिर ग्रेटिफाई ठीक है आई होप ये सब क्लियर होंगे नेक्स्ट देखते हैं फरोल फर और मीन्स एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट ठीक है वो जैसे आप क्या बोलते हो काइंड ऑफ दंगा ठीक है मतलब ये कभी कभी मोस्टली जो होता है कुछ डिफ्रेंसेज होते हैं लोगों की सोच में या किसी भी चीज़ में उन वजह से हो सकते हैं ठीक है या फिर कई बार ए, किसी ऐसी चीज़ से भी हो सकते हैं जो एक्साइटमेंट क्रिएट करे मान लो आपकी गली में आ रहा है अमिताभ बच्चन तो क्या होगा सारे भारह के ये जाने लगेंगे ठीक है तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिरोर ठीक है तो इट इज़ एन आउटब्रो आउटब्रेक इट कैन बी ड्यू टू पब्लिक एंकर और समटाइम्स ड्यू टू एक्साइटमेंट ऑल्सो ओकेम्स आर कमोशन द्रोर और एंटनिम्स आर पीस एंड काम नेक्स्ट वन इज एग्जासर बेट एग्जासर बेट मीन्स क्या होता है कि किसी भी मान लो कोई आप ऑलरेडी किसी बुरी सिचुएशन में हो ठीक है और ऊपर से क्या हो आपका दोस्त आके बोले कि मतलब आपको सपोर्ट करने की जगह आपको और नेगेटिव बोले ठीक है कि तो तो है ही ऐसा तो नहीं सकिया होता तो ऐसा होता उस समय क्या होता है आपको और ज़्यादा गुस्सा आता है है ना तो एग्जैसा बेट मीन्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा बना देना ठीक है तो सिनेम्स देखते हैं एग्रवेट या फिर मेक वर्स एंटेनम्स काम एंड रिड्यूस ठीक है अब देखो जैसे किसी को कोरोना है वो ऑलरेडी बेचारे इतने टेंशन में है कि मुझे कोरोना हो गया है ना ऊपर से आप ये भी कह दो कि तेरा सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है अब क्या होगा ऑलरेडी बहुत बुरे स्टेट में है अब उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा क्या हो गई एग्जासबेट हो गई और ज़्यादा एग्रेवेट हो गई क्योंकि अब मैंटली टेंशन भी हो गया कि भैया ऑक्सीजन भी खत्म हो गया अब तो मैं मरने वाला हूँ ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं कंडेम कंडेम मीन्स होता है किसी चीज़ का विरोध करना ठीक है खंडन करना बोलते हैं ना जैसे हम तो इट मीन्स टू एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और टू सेंश्योर मीन्स स्टॉप ठीक है सिनेिम्स है सेंश्योर या फिर क्रिटिसाइज और एंटेनिम्स है प्रेज या फिर कमेंट तारीफ करना कंडेम मीन्स क्या हो गया किसी चीज़ का खंडन करना ठीक है रेप्रीमांड रेप्रीमांड मीन्स किसी को आप बोलते हो ना किसी की अच्छे से क्लास लगाना ओके okay? तो मीनिंग क्या है अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल वेन यू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग तो आप अच्छे से उस चीज़ का वो बोलते हो ना सुनाते हो कि भाई क्या कर दिया तुमने अच्छे से डांट लगाना उसकी दैट इज रेप्रीमांड ओके ना सिनिम्स रिब्यू केयर प्रूफ और एंटनिम्स प्रेज एंड कमेंडेशन देखो रेप्री जैसे हम अपने घर पे तो मतलब नॉर्मल इनफॉर्मल वेज़ में हम पनिशमेंट यूज़ कर सकते हैं स्कोर्ड यूज़ कर सकते हैं ठीक है रिब्यूक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब हम एक फॉर्मल एक्सप्रेशन की बात करते हैं ठीक है एक सेंटेंस uh, में जहाँ पे आपको फॉर्मल एक्सप्रेशन यूज़ करना है कोई ठीक है तो वहाँ पे आप पनिशमेंट और स्कोर्ड ये सब की जगह क्या यूज़ कर सकते हो रेप्रीमांड ठीक है फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल रेप्रीमांडेड द टीचर फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर विद द चिल्ड्रन ठीक है नेक्स्ट है पार्टिसन पार्टिसन मीन्स इट इज़ अउन एंड इट मीन्स साम वन हू इज़ द स्ट्रोंग सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ठीक है जो एक पार्टी हो सकती है एक कॉज हो सकता है या फिर किसी पर्सन के ठीक है स्ट्रॉन्ग फॉलोअर मतलब मान लो किसी के किसके कोई बाबा के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर या फिर बीजेपी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी के स्ट्रॉग फॉलोअर ठीक है या किसी कॉज के ठीक है मान लो किसी आ, कोई किसी भी कॉज पे चाइल्ड um, लेवल पे या किसी पे रेल जा रही है तो उसकी स्ट्रॉन्ग समर्थक ऐसा भी कुछ ठीक है तो बेसिकली किसी भी कॉज के किसी भी पार्टी के या किसी भी पर्सन के अगर आप स्ट्रॉग सपोर्टर हो तो आप उसके क्या हो पार्टिसन ठीक है सिनेम्स आर सपोर्टर फॉलोअर और एंटेनिम्स क्या है इम्पार्शल या फिर अनबायस्ड ठीक है नेक्स्ट वन इज़ रिब्यूक रिब्यूक भी अभी आया था ना पीछे रेप्रीमांड uh, देखो रेप्रीमांड इसका देखो सिनानिम रिब्यूक तो रिब्यूक का भी इसका मतलब होता है रेप्रीमांड मतलब किसी को बहुत ज़्यादा डांट लगाना है डिसप्रूवल शो करना अपना ठीक है ओके सिनेिम्स है स्कोर्ड या फिर एडमोनिश और एंटनिम्स uh, प्रेज कॉम्प्लीमेंट या कमेंट ठीक है अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो ये सिर्फ इसलिए जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपके लिए कम टाइम में कवर कर पाऊँ ठीक है इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप एक काम करना कि पहले से पूरा फिनिश करना फिनिश करने के बाद वापस से वीडियो स्टार्ट करके धीरे उसे स्लो करके या चाहे तो स्टॉप करके नोट करके दोबारा से रन करना एंड आई एम श्योर कि आपको सब समझ आ जाएंगे ओके स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता देना नेक्स्ट वन इज़ अनिशिंग अनिशिंग इज़ यूज एज अ वर्ब इसका मीन क्या होता है कि मान मांद, मान लो कि आपने किसी को ऐसे बांध के रखा हो ठीक है जैसे पहले ज़माने में आपने देखा होगा एनिमल्स को तो कह भी रखते हैं स्लेव्स का सिस्टम था ना तो स्लेव्स में क्या करते थे ऐसे बांध के रखते थे चेनों में जकड़ के है ना फिर जब आप उनको छोड़ दो तो दैट इज कॉल्ड अन ठीक है मीन्स रिलीजिंग फ्रॉम अ रीश बंधन से रिलीज करना स्पेशली डॉग के लिए यूज़ हो सकता है अगर क्योंकि अब ये प्रैक्टिस होते नहीं है पर अगर हो तो उनके लिए भी यूज़ हो सकता है ठीक है सिनेम्स आर सेट फ्री या रिलीज और एंटेनिम्स है रिस्ट्रेन मतलब बांध के रखना ओके नेक्स्ट वन इज जीनोसाइड जीनोसाइड मीन्स होता है लोगों की बड़े अमाउंट में हत्या कर देना ठीक है जानबूझकर कर obviously. ठीक है uh, तो मीनिंग क्या है द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जीनोसाइड जीनोसाइड मीन्स लार्ज नंबर में लोगों को मारना क्या होता है जीनोसाइड होता है ठीक है और ख़ास कर जब वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हों या किसी पर्टिकुलर नेशन के हों ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि जैसे जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल ठीक है जैसे मान लो अभी अफग़ानिस्तान में वो लोग डिसाइड कर ले कि हम मुस्लिम्स को छोड़ देंगे और मुस्लिम्स के अलावा जो भी दूसरे एथनिक ग्रुप्स हैं उनको हम मार देंगे ठीक है मान लो उन्होंने किसी भी रिलीजन की या किसी भी एथनिक ग्रुप का डिसाइड कर लिया और उस ग्रुप uh, के सारे लोगों को मार दिया तो देन इट विल बी अ जीनोसाइड ठीक है ना आर रेशियल किलिंग मसाके एंड देन एंटनिम्स आर पीस एंड टॉलरेशन ओके ओके तो हेयर वी रीच टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड वीडियो इज कम्प्लीटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट अस नो एंड थैंक यू फॉर द इमेंस सपोर्ट दैट यू आर प्रोवाइडिंग अस एंड नाउ वील बी रेगुलरली प्रोवाइडिंग यू विद ऑल द वीडियोज़ दैट यू नीड सो थैंक यू सो मच फॉर बींग अस एंड प्लीज़ बींग विद अस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल स्टे ट्यूंट फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू